अपनी है, अगर हम अपने आप को ग्रो कर लेते तो शायद हमें समझाना नहीं पड़ता। तो जरूरत है आज उसको ग्रो करने की, ताकि हमारा प्रोमिनेंसी फील्ड में इतना ज्यादा हो कि लोग बिना बताए ये समझ जाएं कि यस फिजियोथेरेपिस्ट आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ मेंबर। बेसिकली जो ड्राफ्ट हमने सबमिट किया था ये उसी ड्राफ्ट की कुछ इनपुट्स हैं, क्योंकि बेसिकली हर काउंसिल का जो ड्राफ्ट, हर एक का फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क सेम ही रहता है। बेसिकली द काउंसिल इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। नाउ द एम्प्लॉइज ऑफ द काउंसिल, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, क्लर्क, पियोन एंड सम लॉयर्स ऑल्सो फॉर देयर कंसल्टेशन। नाउ द फंक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल क्या करेगी? आप जो बात कर रहे हैं काउंसिल चाहिए, काउंसिल होना चाहिए, काउंसिल आएगी तो काउंसिल करेगी क्या? टू रेगुलेट फिजियोथेरेपी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, आपकी एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, आपकी प्रैक्टिस को रेगुलेट करेगी। गिव रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसके अंदर आपका सारा डाटा आएगा, गवर्नमेंट को इजीली पता रहेगा कि मेरे पास एट प्रेजेंट स्टेट में कितने फिजियोथेरेपिस्ट प्रेजेंटली वर्किंग है, कितने नॉन वर्किंग है। इससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी हेल्प मिलेगी। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ फिजियोथेरेपी एजुकेशन एट ऑल द लेवल्स, एग्जांपल यूजी, पीजी, पीएचडी एंड से फ्यू मोर्स। एक्चुअली जब हम देखते हैं किसी कॉलेज का स्ट्रक्चर तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसा करती हैं कि शायद हमारे पास कैपेसिटी 30 की है और अगर अच्छा